What's up, guys? Welcome back to the new episode. We are ready for gym. This is my what are they called? Jaggings, leggings, tights. These are my tights. This is my shirt. It's 8 o'clock and we are going to gym, hit the gym. We are going to flex today. And एक घाव है, उसमें पट्टी भी लगानी है अभी. चलो, let's get moving. बीच में बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन आ रही है जो कि मुझे नहीं आ रहा पसंद. कुछ करना पड़ेगा उस चीज़ का, उसके बारे में हम देखेंगे आज क्या करेंगे. हम रोज़ व्लॉग डालेंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जो यू नो इंटरेस्टिंग भी रहे. चलो फिलहाल उल्टा नहीं जाना. Let's go gym. तो जिम से हम घर आ चुके थे, खाना खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, नहा धो लिए, फ्रेश हो गए हैं. शक्ल से नहीं लग रहा होगा बट हो गए. और अच्छी खासी धूप खड़ी है तो मैंने सोचा कि उन अपने बालों को आज नेचुरल तरीके से सुखाया जाए. और मैंने अपने कटे हुए हाथ में दवाई लगा ली है. लेट्स गो. मैंने सोचा था ठीक ठाक धूप सेकूँगी, पर धूप की ये तेज़ किरणें देख कर लग नहीं रहा कि मैं यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा बैठ पाऊँगी, क्योंकि इतनी गर्मी अभी से लग रही है. गाइस, लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज फॉर यू. कल ही मैंने अपनी स्कूटी भी धोई थी, चमक रही है यार आज. सही लग रही है ना स्कूटी, दिखने में सेक्सी लग रही है ये, क्योंकि धोई है मैंने कल. अभी तब से ऐसी खड़ी है, इसकी मैट भी नहीं लगाई अभी मैंने ढंग से यहाँ पे. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कड़वा नगरी लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है. और अभी जो आपने देखा है, ये जो हमने वीडियो आपको दिखाई है, ऑस्टिन भंडारी जो कि ब्लॉगिंग करती है, कोटद्वार में रह के ब्लॉगिंग करती है, और क्या कुछ वो पूरा कर रही है इस बारे में आपको जानकारी देंगे. और दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्टिन भंडारी जी के लिए इस वीडियो को, जो भी वीडियो पे है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और आप चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ ही साथ ऑस्टिन भंडारी जी का जो हम यूट्यूब चैनल है जिसमें वो ब्लॉगिंग करती हैं और किस प्रकार की वो ब्लॉगिंग करती है ये जानकारी लेंगे. क्वालिफिकेशन क्या, किस प्रकार से पढ़ाई करी, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब हम बात करेंगे. लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन में, मैं ऑस्टिन भंडारी का जो है यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आपने उसको सब्सक्राइब भी कर लेना है. बात करते हैं, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. क्या कर रही हैं आप इस टाइम पे? मेरा खुद का नेल्स का बिजनेस है, और अभी राइट नाउ मैंने अभी जस्ट फ्यू मंथ्स बैक मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है. और चैनल का नाम क्या है आपके? ऑस्टिन भंडारी ब्लॉग. ऑस्टिन भंडारी ब्लॉग्स. स्पेलिंग जैसे OSHIN ऑस्टिन भंडारी और ब्लॉग्स VLOGS. एस कई कई लोग जैसे बी भी लिखते हैं, तो ब्लॉग से देखिए ऑस्टिन भंडारी ब्लॉग्स पे आपने जाना है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है और इनको पूरा सपोर्ट करना है. मैं आप ऑस्टिन भंडारी जी के बारे में जैसा मुझे पता चला है, इनकी मम्मी है, वो सिंगल मदर हैं, और जो मम्मी के साथ अपना रहती हैं, और कहीं ना कहीं नेल आर्ट्स जो इन्होंने बताया है उसका यहाँ पर ये कर रही है, उसकी प्रैक्टिस कर रही है, तो उस पर भी आप सपोर्ट कीजिएगा. ये जो नेल आर्ट है इसके बारे में थोड़ा बताइए. बस देखिए, नेल आर्ट जब मैं कोर्स कर रही थी तो उससे पहले मैंने सोचा था कि कोटद्वार में अभी ऐसा कुछ ओपन नहीं हुआ, तो मुझे कुछ नया करना था. प्लस जो कि मेरी मम्मी है, कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी कुछ साल बाद, तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपने रूट्स में ही स्टिक करना है, मुझे कोटद्वार में ही रहना है, अपने घर में ही रहना है, तो यहीं रह के कुछ ऐसा करना है कि यहाँ के लोग फैसिलिटीज ज़्यादा हो. तो फिर मैंने सोचा कि ना नेल आर्ट को यहाँ पर लेके आ जाए, मैं एक प्रॉपर स्टूडियो वगैरह, क्योंकि ऐसा मतलब मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, एक प्रॉपर स्टूडियो नहीं है. तो फिर ये सोच के मैंने कोर्स किया, फिर मैं आई, और फिर मैंने अपने एक बिजनेस सेटअप किया. तो अभी तक एक साल हो, आज तारीख है 23, तो आज ठीक एक साल हो गया है इसको.
तो नेल आर्ट से जैसे आप कर रहे हैं, आपका पार्लर है या कहाँ पर? हाँ जी, पार्लर है देवी रोड पे, बालासोर। किस नाम से? लावण्य सैलून करके। अच्छा, लावण्य सैलून। इसी में छोटा सा जो सेटअप है पॉश नियर्स बाय ओशन वो है। अच्छा, लावण्य सैलून जो देवी रोड पर है, देवी रोड पर है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। उसके अपोजिट क्या बताया? उसी में सेटअप है। अच्छा, उसी में सेटअप, सैलून में सेटअप, सैलून में सेटअप है। तो आप नेल आर्ट से संबंधित कोई भी किसी भी चीज़ का आपको कार्य करवाना है तो ओशन भंडारी, और साथ ही साथ ब्लॉगिंग आप करते हैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। और ब्लॉगिंग तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट जरूर करना है हम सभी ने। तो इनका जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ओशन भंडारी के लिए। बहुत अच्छी ब्लॉगिंग आप करते हैं और अब भविष्य की शुभकामनाएं हैं आपको, नेल आर्ट्स में भी शुभकामनाएं हैं। और अभी उनकी मम्मी से भी बात करेंगे, मम्मी से बात करते हैं और फिर बताते हैं कि एक दो वीडियोज भी इस क्लिप में हम रखेंगे जिस प्रकार से ओशन भंडारी ब्लॉगिंग करती हैं। ओशन भंडारी की मदर हमारे साथ हैं, बबीता भंडारी जी हैं, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आज आप जानते हैं कि यूट्यूब कितना एक्सप्लोर हो चुका है। और अभी आपकी जानकारी के बाद बता दूं कि यूट्यूब के जो सीईओ और हमारे इंडियन मूल के बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस, जो अभी आपने सर देखे हैं उनका नाम है मिस्टर प्रवीण थापा एंड ही केम हियर टू टेक एन इंटरव्यू। तो सक्सेसफुली इंटरव्यू हो चुका है बहुत ही प्यारी तरीके से। तो अब जो है कि जो भी उन्होंने हमसे सवाल पूछे हैं, अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका पेज का लिंक दूंगी यूट्यूब का। तो आप वो वीडियो जब वो डालेंगे ना तब जाके ज़रूर देखना, लिंक मैं आपको अभी दे दूंगी। तो बहुत ही अच्छा लगा कि लाइक मेरा पूरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था और बहुत ही प्यारा गया, अच्छा लगा यार। तो ही इज़ वेरी नाइस। तो उनका बोलने का तरीका, उनके सवाल पूछने का तरीका, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। प्लस और इस इंटरव्यू में जो मेरी मम्मी भी शामिल हो गई है, और मेरी मम्मी का जो प्रोनंसिएशन था वो इट्स वेरी प्रोफेशनल। तो मम्मी ने तो उस इंटरव्यू में झंडे गाड़ दिए हैं। क्यों मम्मी ने फुल ऑफिस बाजी कर दी वहां पे, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कि हाँ भाई जैसे पॉडकास्ट चल रहा होगा, मम्मी का अलग पॉडकास्ट चल रहा है भाई। पर बहुत सही था। तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना। और अब हम वेल्ले हो चुके हैं सारे सुबह से, तो वैसे भी हमने कुछ नहीं किया, अब हम और वेल्ले हो गए। मम्मी अभी कॉफी बना के पिला देगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कैसा लगा? मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था, मुझे अच्छा लगा था कि कब शायद कभी कभी ऐसे हो कि कितने इंटरव्यू, आज तो एक ही है, कभी आने वाले टाइम में भगवान nice. करे कि इधर से भी माइक हो। हेलो मैम राइट मैम लेफ्ट नहीं, वो वाला नहीं। किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए तो अच्छा ही है ना, क्या फ़ायदा। अच्छा, और मम्मी ने नीचे से इशारा करा कि वह सब कैमरा बंद कर दे, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों थकी हुई हूँ मेरी शक्ल देख, क्यों मेरे को बहुत आराम है आज सुबह से, पता किसी क्या? ने डंडे से देखो, चाहे सर दर्द हो रहा मेरा, चाहे इंटरव्यू मेरा जो था वो 10 मिनट का था, लेकिन एक नर्वसनेस होती है कि लाइक क्वेश्चंस क्या होंगे, सवाल क्या होंगे। वो बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही फ्लेक्सिबल इंटरव्यू था। लाइक मेरा अगर जो मैंने पहला इंटरव्यू ऐसा दिया है तो आई गेस कि आगे भी बहुत अच्छे दूंगी अगर आ गए तो। क्यों जा, फोन आ रहा। जो सर थे ना, प्रवीण सर, वो मेरे ब्लॉग्स वो देखे हुए, उन्होंने मेरे ब्लॉग्स, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब करा हुआ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। या मतलब मैंने सिर्फ एक स्नीक पीक हो गया था उनके फोन में कि इट्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, ऑलरेडी ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का जो आइकन था वो ब्लैक कलर का रुका, तो इसका मतलब वो सब्सक्राइब था। तो उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं, मतलब मुझे अच्छा लगा कि यार इसीलिए तो अच्छा। आए, वो वीडियो देखी थी उन्होंने तभी तो आए। चलो फिर, बहुत अच्छा गया मेरा आज का दिन। अब हम पीते हैं कॉफी। हेलो फ्रेंड्स, कॉफी पी लो, बिस्किट खा लो, पापे खा लो। ठीक है, पापे नहीं खाते, पापे क्या बोलते, फैन बोलते क्या? गर्मी हो रही है अब, कॉफी तो क्या यार, लस्सी पीने का टाइम आ गया। लिटिल कॉफी। तो गाइस, बात एक्चुअली ये है कि आज की इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं।
नमस्ते भैया। हाँ जी, क्योंकि कब एक मिनट, क्योंकि 5 मिनट पहले तक तो हम वेले थे, बट रिसेंटली हमें अभी कहीं जाना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया, मैं सर का जो है लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करिए। सर के बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पे, लाइक यूट्यूब पे उनके बहुत ही प्यारे अमाउंट है सब्सक्राइबर्स की। आई नो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये मेरा फर्ज बनता है, अगर वो मेरे लिए इतना करते तो मैं उनके लिए इतना कर ही सकती हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरे लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू पसंद आया, इस वीडियो को ना लाइक कर दो प्यार से, प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और देखते रहो उशिमनारी ब्लॉग्स।